क्या हो अगर आसमान से पानी की जगह ईंट गिरने लगे? शायद ही आपने ऐसा सुना और देखा होगा, लेकिन पानीपत जिले के एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर ऐसा हुआ, जब सड़क से गुजर रहे राहगीरों के पांव थम गए और कुछ पलों के लिए गाड़ियों के पहिए थम गए, क्योंकि ऊपर से ईंटें बरस रही थी। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं और ईंटों के बरसने की सच्चाई भी। दरअसल एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर एक ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का अचानक टायर पंचर हो गया, जिससे ट्रैक्टर चालक संतुलन खो बैठा और ट्रॉली फ्लाईओवर के कोने पर पलट गई। इस दौरान ट्रॉली में लदी ईंटें जमाजम फ्लाईओवर से नीचे गिरने लगी। इन ईंटों की चपेट में नीचे खड़ी कार भी आ गई, जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना ये मिली थी फ्लाईओवर से कोई ओवरलोड व्हीकल है, जो जिसमें ईंटें थी काफी, वो उसकी वजह से ईंटें नीचे आई है। ईंटें नीचे आने की वजह से एक बाइक वाला कोई जा रहा था, बाइक वाले के ऊपर ईंटें पड़ी है और साथ में गाड़ी खड़ी हो आगे, बिल्कुल देखिए ना, उसके ऊपर भी ईंटें पड़ी है। उसमें एक ड्राइवर था ओनली, तो वो तो बच गया, लेकिन बाइक वाला एक्सपायर हो गया फिलहाल। उसी के लिए ये सारी अव्यवस्था है। क्या चीज़ है घटना? आधा पौने घंटे के पहले की है ये। कुछ और जानना किसी नुकसान? इसके अलावा और कुछ नहीं, इसलिए जाम लगा रखे भाई। जाम तो लग जाए कोई बात नहीं, आगे किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए बस। फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल क्रेन आई हुई है, क्रेन उसको हटा रही है, उसके बाद इसको चला दिया जाएगा। आसमान से अचानक ईंटों को बरसते देख राहगीरों वाहन चालकों की सांसें गले में आ गईं। घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही वाहन चालकों ने अपने ब्रेक लगा दिए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे में बड़े बचाव का कारण ये भी रहा कि लाल बत्ती चौक पर खड़े ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने हाथ के इशारे से वाहनों को पैदल जाने वाले लोगों को रास्ता क्रॉस करवाने के लिए रोका था। लोगों को क्रॉस हो जाने के बाद वाहनों को जाने का इशारा किया। इशारा पाकर सबसे आगे खड़े कोड़ा कार सवार ने अपनी कार को आगे बढ़ाया। अभी वो आगे बढ़ा ही था, इसी दौरान हादसा हो गया और बाकी लोग एकदम थम गए। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।